मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदसुरथ अजित बिहारी सुनि सुर विनय ढाढ़ि पछिताती भई सरोज बिपिन दुरारी देख देव पुनि कहहि निहोरी मातु तोहि नहि थोरी भोरी विस्मय हर्ष रहित रघुराहु तुम जानौ सब राम प्रभाउ जीव करम बस सुख दुख भागी जाहि आवत देव हित लागी बार बार कहि चरण सकोची चली विचार विबुध मति पोची ऊंच निवास नीच कर तूती देख न सकत पराई विभूति आगिल काज बिचारी बहोरी करी हन चाह कुसल कवि मोरी हर्षि हृदय दशरथ पुर आई जनु ग्रह दशानु सह दुखदाई मंगल भवन अर्थात देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है। इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते,
परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह यानी कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पुरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। मंथरा नाम की कैकई की एक मंद बुद्धि दासी थी, उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वह दुर्बुद्धि नीची जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकई के पास गई। रानी कैकई ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है यानी दंड दिया है। तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो है। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय सियाराम।